बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ न्यू टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है डुप्लीकेट सनद। डुप्लीकेट सनद के हसूल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और इसमें फ़ीस कितनी है, तरीका कार क्या है, तो आइए चलते हैं, आपको मैं वन बाई वन स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले एजुकेशन बोर्ड दराज खान की वेबसाइट ओपन कीजिएगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद डाउनलोड मैनुअल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म्स डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। इसमें जो हम 10वें नंबर पे देखेंगे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड फॉर्म। डुप्लीकेट और सर्टिफिकेट, इसके लिए हम सेम ही फॉर्म यूज़ करेंगे। इसको मैं व्यू कर लेता हूँ। तो इसमें ये दो पेजेस पे मुश्तमिल ये फॉर्म है। इसको आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। सबसे पहले प्रिंट आउट लेने के बाद इसका जो तरीक़ेकार है थोड़ा सा वो आपको बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने पासपोर्ट रंगीन पिक आपने लगानी है। इसको जिस स्कूल या कॉलेज से आप पढ़ते रह गए हैं वहाँ से आपने इसकी अटेस्टेशन करानी है। और ये मुसन्नद सनद यानी कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, इसको आपने टेक कर लेना है। इसी तरह इसमें रोल नंबर जो कॉफ आपके हैं, नाम है, वलियत है, पता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। फिर इसकी अटेस्टेशन, इस फॉर्म पे भी अटेस्टेशन वो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस करेंगे। इस पिक्चर लगाने के बाद इस पिक्चर पे भी वो हाफ स्टैंप उनके जो है फॉर्म पर और हाफ पिक्चर पर स्टैंप लगेगी, वो लाजमी है, उनके सिग्नेचर होने हैं। ये फिल करने के बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं बताता चलता हूँ। तो थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। मुसन्नद सनद के इजरा के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात। दस्तावेजात क्या क्या होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा नंबर वन पे वही फॉर्म है जो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह फिल करना है, उसकी अटेस्टेशन करानी है। उसके बाद आपने अखबार इश्तहार देना है। अखबार इश्तहार का क्या तरीक़ाकार है ये देख लीजिएगा। ये अखबार इश्तहार है, इसमें जो है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि रोज़नामा अखबार होना चाहिए। मिसाल तौर पर जंग है, खबरें, नवाई वक्त, नेशन और दिटान वगैरह, ठीक है। हफ्त रोज़ा अखबार या लोकल अखबार वो काबिल कबूल नहीं है बिल्कुल भी। तो नमूना इश्तहार ये देख लीजिएगा, ये सामने नमूना इश्तहार भी सामने प्रिंटेड है, सेम एज इट इज़, इसी तरह से नमूना होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है बयान हरफी। बयान हरफी का ये तरीक़ाकार है, ये बयान हरफी आपने सेम इसी तरह से लिखवाना है आपने। और लिखवाने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा सिविल जज दर्जावल के से अटेस्टेशन है बयान हरफी के होने चाहिए। बयान हरफी होने के बाद आपने पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट आपने गुमशुदगी की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवानी है। शनाख्ती कार्ड, शनाख्ती कार्ड आपके उस फोटो कापी या वे फॉर्म आपका हो तो ये बेफाम या शांति कार्ड भी उसी हेडमास्टर या प्रिंसिपल से आपने अटेस्टेशन करानी है जिसे आपने फॉर्म अटेस्टेशन करवाई है, ठीक है। ये सारा तरीक़ाकार हो गया। ये तीसरी बार सनद ये आपने कुछ नहीं करना, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो तीसरी बार के लिए सेम एज इट इज़ इसके क्वाइफ करेंगे। और इसकी फ़ीस क्या है? फीस इसकी आम रूटीन में 4,000 है और अर्जेंट करनी हो तो 5,000 है। 5,000 जब फीस पे करते हैं तो बोर्ड अपने जो है दफ्तर अयाम में 48 घंटे के अंदर अंदर आपको जारी करने का पाबंद होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो तमाम अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात उन तक भी वक्ता फ़वक्ता पहुँचती रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।